कहाँ पे भैया? वो पता है क्या हुआ, वो अपने गुलबर्ग की स्कीम नंबर 3 में हाँ। 4 कनाल का प्लॉट खरीद लिया था, बहुत दिन से खाली अच्छा, पड़ा था अच्छा। मैंने कहा शुरू करा दूं काम अच्छा। तो कोठी बनवा बड़ा अच्छा, बीवी के नाम से, बीवी के नाम से ही तो ऐसे काम होते हैं जी जी। तो आए कैसे हो यार? वो तुमसे जरूरी बात करनी थी। तो पैसे चाहिए? पैसे पैसे इससे चाहिए मुझे यार। तो क्या बात भाई? वो बात ये थी कि इनके सामने बात कर लूं? हाँ हाँ कोई बात नहीं यार, वो मालिक मकान। कौन मालिक मकान? ये मालिक मकान है वे, ये तो मेरा दोस्त है अलन, मेरी कमाई खा रहा है, मेरा ओवर टाइम खा रहा है ये तो। अच्छा हा? तो यार वो फिर बात ये थी कि देखो तुम्हें पता है कि हम सब लोग मिलकर तुम्हें सदर बना रहे हैं, और यार हम भी क्या बना रहे हैं, ईमान से पता नहीं क्या जादू कर दिया नन्ने ने, एक एक मजदूर गुनगा रहा। बस यार आप लोगों की मेहरबानी है। नहीं यार मेहरबानी तुम्हारी है, जो काम तुम मजदूरों के लिए कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे दिल में सही दर्द है यार, बस एक दूसरे का मिलजुल के ख्याल रखेंगे तो फायदा होगा ना। तुम्हें सदर बन के बहुत कुछ करना है यार, मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। यार तुम बहुत खुशनसीब आदमी हो, बहुत खुशनसीब हो कि नहीं इलेक्शन होने से पहले सदर मान लिया गया है, वरना यहाँ पर यह भी होता है कि लोग सदर बन जाते हैं तब भी बहुत से नहीं मानते। और बहुत खुश नसीब हो कि इलेक्शन होने से पहले, सदर बनने से पहले ये 5,000 एडवांस मिल रहे हैं जी, 5,000। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। होता क्या है जी, दो दो महीने गुजर जाते हैं सदर बने हुए जी, जी। लोग तकाजा करते रहते हैं, पेमेंट फिर भी नहीं होती। सही कह रहे हैं आप। वैसे आप कुछ ठंडा तो पी लें? नहीं शुक्र, कोल्ड कॉफी पी के। शुक्र भाई, ये किस सिलसिले में काहे के? अच्छा 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 मैं समझ गया, ये वो डिस्पेंसरी के लिए दवाई मंगानी। अच्छा तो फिर मजदूरों के बच्चों की तालीम के लिए होंगे। यार ये मजदूर बीच में कहां से आ रहे हैं? मजदूर को क्यों ला रहे हो बीच में भैया? बीच में वो बात तो पूरी सुन लो उनकी, भैया बताएंगे। भाई बात ये है कि हमारी जो पार्टी है ना, वो सदर को उसकी मेहनत का फल जरूर देती है बतौर एडवांस, ये चीज। मगर यार वो सही कह यार, ये तो सिर्फ एडवांस है, आगे और बहुत कुछ मिलेगा। अबे लंबा गेड़ा है ये तो, मैं क्या कर रहा था, मगर एक दफा सदर बन के तो देख। मगर किस सिलसिले में दे रहे हैं आप यार? बात समझा भी करो भाई, हमारी एक पार्टी है जिसको बहुत एड मिलती है फॉरेन जी जी हाँ। तो होगा ये कि सदर बनने के बाद तुम्हें काम सिर्फ इतना सा करना है कि बस हड़ताल करा दो तुम, बाकी कोई नहीं। बाकी कोई ना, मैं कोई पागल हूँ जो हड़ताल करा दूं? मजदूरों के घरों में फाका नहीं हो जाएगा यार? फाका कहाँ से होगा, ना तनख्वाह नहीं मिलेगी। हाँ तनख्वाह कैसे मिलेगी यार, कमाल है, मिल का मालिक बेवकूफ है जो हड़ताल के बावजूद मजदूरों को पैसे देते रहेगा। हड़ताल के दिनों में मिल के मालिक का क्या काम मजदूरों की इतनी मजदूरी से है? भाई वो तो इनकी पार्टी देगी। हाँ, क्यों भैया? जो इन्हें दे रही है। कौन सी पार्टी है ये? तुम्हारी कोई टी पार्टी है? कौन सी पार्टी है ये? भाई वही पार्टी जो ये नहीं चाहती कि मिल की पैदावार बढ़े, जो ये चाहती है कि हड़ताल और हंगामा हो भाई, जो ये चाहती है कि जो इस मिल का यानी माल बनकर जा रहा है 12 करोड़ का मुल्क से बाहर, वो जाने ना पाए। और ये किस सूरत में होगा? इस तरह के हड़ताल हो, प्रोडक्शन बंद हो जाए। जिसने भी सोचा है बहुत अच्छा सोचा। ना प्रोडक्शन अगर बंद हो जाए तो ये तुमने सोचा कि ये नुकसान किसका होगा? हमारा होगा यार। हमें क्या काम सियासत से भाई, हमें तो दाल रोटी से मतलब है। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। मैं लानत भाई तो तेरी पार्टी पे और तेरे पैसे पे, तू मुल्क का दोस्त नहीं है, दुश्मन है यार। समझा भी करो अल्लाह भाई, समझाएं इसको, ऐसे मौके रोज रोज नहीं आया करते। भाई जान, भाई जान जज्बाती आदमी है ये, फिक्र ना करें आप, मैं संभाल लूंगा सारा कुछ, आप चलें। नहीं नहीं अल्लाह ने, तू इसके पैसे वापस कर दे। मैं लानत पे, मैं ऐसा सदर नहीं बनूंगा जिससे अपने मुल्क में नुकसान पहुंचाऊं, ये नहीं हो सकता। इसके पैसे वापस कर जल्दी से यार। और खबरदार मेरे घर से भाई, बहुत फायदे का काम है। खबरदार अगर मेरे घर पे आए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ूंगा, पैसे दो। चलो चलो जाओ जाओ यार, मैं धक्के मार रहा हूँ, गुदगुदी कर रहा हूँ, हंस रहा है आगे से। यार अलर तूने इसके पैसे क्यों रख लिए? यार बात सुनो, गर्मी खाने की क्या जरूरत है नन्हे, इधर आओ बेटे। गर्मी खा गया ऐसे ही पागल ना होता। सलामुअलैकुम नन्हे साहब, ये रहते ठीक ठाक? खाइए जी। जी ठीक ठाक नन्हे साहब? नन्हे ये मैं तेरा पूछ रही है, मेरी ग्रिल्ड फ्रेंड है। क्या क्या ग्रिल्ड फ्रेंड? नहीं कहाँ कहाँ से मुलाकात? मुलाकात नहीं हुई। अच्छा अभी बनी है। ये मैं मन के मुसम्मी नन्ना, ये नन्ना साहब है। सलामुअलैकुम। बैठो शेर रखिए भाई, बैठो 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 जी। वो मुझे बुरहान साहब ने भेजा है। yes. मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। आई नो कंट्री इन बुरहान। यस भाई बुरहान साहब। बुरहान कौन? बुरहान साहब नाम है।
कौन बुरहान साहब? बुरहान साहब वो सन डाउन मिल के मालिक। भाई तुम्हारे मिल के जो मालिक है बुरहान साहब। अच्छा अच्छा, उनका नाम ही नहीं सुना था आज तक। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने आपको मेरे पास भेजा जी। यार अलन, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ जिंदगी में कि कोई मिल का मालिक किसी मजदूर के पास लड़की को भेजे। नहीं ऐसे, हालांकि मैंने तो उनकी शक्ल ही नहीं देखी। मिल का मालिक तो हमेशा मजदूरों से दूर रहता है। मगर बुरहान साहब जो है ना वो ऐसे नहीं है। अच्छा? वो अपने मजदूरों के बहुत करीब रहना चाहते हैं। तो फिर उनसे कहिए कि आप ऐसा करें कि ये साथ वाला क्वार्टर खाली है, 75 रुपए किराया है, बिजली और नल का नहीं। क्या 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 करीब भाई, वो ज़हनी क़ुर्बत चाहते हैं। ज़हनी क़ुर्बत जो होती है आपस में वो चीज। वो कल आपका इंतजार करेंगे 10 बजे, तो आप जरूर तशरीफ लाइए। उन्हें मुझसे क्या काम है? आपसे ये तो मुझे मालूम, कोई राज की बात होगी ना, उनको नहीं मालूम हो सकता ना। तो आप ऐसा कीजिए कि हेलो जी, बुरहान साहब से कहिए कि हम कल जरूर हाजिर होंगे। आप वहीं होते हैं? नन्ने साहब। हाँ मैं खुद हूँ। अच्छा जी, मैं जाऊँ फिर? नहीं, ये क्या हुआ, आई और गई? नहीं जी, जा देखिए ना, चाय ठंडा को इसके कुछ तो। खोखा करीब है, यही नुक्कड़ पे है, हर चीज उधार आ जाती है। नहीं, मेरे पास कार है। शुक्रिया, कुछ नहीं, खुदा हाफिज़। अच्छा, कल मुलाकात होगी आपसे 10 बजे। 10 बजे ठीक है, 10 बजे। स्वीट ड्रीम्स। मैं कब कह रहा हूँ कि आप मैट्रिक हैं, आप लाजमी तौर पे बीए तो होंगे ही जी। बीए पिए हुए ड्रंकन? अरे सुबह के वक्त ड्रंकन? यार ठीक है, आप कर सकते हैं जी, आपका पैसा है, आप कर सकते हैं सब। ओहो, पीए पर्सनल असिस्टेंट। भाई इतनी अंग्रेजी मुझे नहीं आती। भाई ये उनके पर्सनल असिस्टेंट यानी सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी हैं आप? तो ये बुरहान साहब नहीं है? आपसे हमें क्या लेना है, वो आपका मालिक की तरफ बुलाओ उनको। आप तशरीफ रखिए, मैं जरा इत्तला करता हूँ। इत्तला क्या करनी है, आप बुलाए उनको। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप अंदर जाइए, जो बुरहान साहब आपको बुला रहे हैं। आप आ गए जी, आप बुलाए और मैं ना हूँ, ये कैसे हो सकता है? मेरी जिंदगी में पहली बार एक लड़की ने मुझे बुलाया और मैं। आप बुरहान साहब से नहीं मिले, मगर जब मिलेंगे ना तो मुझे यकीन है बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे आदमी। आपसे मिलने के बाद मुझे किसी से नहीं मिलना है, तुम मिले, प्यार मिला, अब कोई अरमान ही नहीं। दरअसल बहुत नरम तबीयत के मालिक थे। मुझसे ज्यादा नरम तबीयत नहीं हो सकते? हाँ, मुझसे ज्यादा नहीं। मगर जब से गवर्नमेंट ने मिलों को कॉर्पोरेशन के हवाले किया जी जी, बस जरा तबीयत चिड़चिड़ी हो गई। फितरी बात है। और जी, जब से मैंने अपने आप को आपके हवाले किया है, मेरी तबीयत भी बड़ी चिड़चिड़ी हो गई, और मैं करता रहता हूँ किबड़ क्यों। और वैसे डॉक्टरों ने सख्ती से मना किया है कि कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ ना हो। अच्छा, पता है बेचारे कल्ब के मरीज है, दिल की बीमारी, दिल की। हाय हाय, कल 4 बजे से मुझे भी दिल की बीमारी हो गई। अलन, मैं फौत होने वाला हूँ, ईमान से मरने वाला हूँ। वही मैं मर गई। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आपकी मुलाकात से कोई अच्छे नतीजे बरामद होंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह। हमें नेक ही तवक्कुआत रखनी चाहिए एक दूसरे के साथ। हाँ जी, इसी में इनसे आ जाए। चलिए आ जाए। नहीं नहीं, अभी तो आए, आ जाए अंदर। अस्सलाम वालेकुम बुरहान साहब। अस्सलाम वालेकुम नन्ने साहब। भाई बड़ी राह दिखाई आपने। अजी राह मैंने क्या दिखाई है जी, राह तो मतलब इन्होंने दिखाई है सीधी मोहब्बत की राह। तशरीफ रखिए। दरअसल जी, बात ये देर इसलिए हो गई हमें कि वो अलन मुझे पैदल चलाता हुआ लाया। मैं इसे कहता भी रहा कि को रक्षा ले लेते, हालांकि इसके पास 5,000 और कुछ ऊपर रुपए भी है जी, लेकिन ये बड़ा कंजूस आदमी रुपया दाब के रखता है। 5,000 रुपए आपके पास? हाँ जी, वो शकूर दे गया था मुझे, वो जो मेरे साथ वाली मशीन पे काम करता है ना, वो रात को दे गया था। शकूर आपको 5,000 रुपए दे गया था? हाँ जी, मैंने उसे बड़ी गालियां दी। मैंने उसे कहा कि मेरे साथ हेरा फेरी करने की जरूरत नहीं है, ये रुपया इसके पास अमानत पड़े हुए, अभी जाके उसके मुंह पे धड़न मारूंगा। वो शकूर तो बहुत गलत आदमी है, वो तो दुश्मन का एजेंट है। सुन लिया, मैंने कह रहा था तुझे, मैं तुझे कह रहा था कि वो गलत आदमी है, ऐसे लोग तो मुल्क का तख्ता करा देते हैं। बिल्कुल, मैं तो उसको मिल से बहुत पहले निकाल चुका होता, मगर मेरे ऊपर कुछ दबाव थे। आप उसके रुपए फौरन वापस कर दें। अगर उसने आपको 5,000 रुपए दिए हैं तो मैं आपको 10,000 रुपए दे सकता हूँ। 10,000? ये किस सिलसिले में दे रहे हैं जनाब? शकूर जैसे दुश्मनों के एजेंटों के सिलसिले में है जी। हाँ जी, वो तो आप फिक्र ही ना करें, अगर मैं सदर बन गया तो इस किस्म की तो कोई साजिश होगी नहीं। आप सदर बन गए, हीरो की राह तो आपने हमार कर ली है, इलेक्शन तो एक रस्मी चीज है। दुरुस्त। वो जी बात यह देखिए ना, अगर मैं सदर बन गया ना तो इंशाल्लाह ताला ये है कि मैं किसी की हक तलफी नहीं होने दूंगा, ना मिल के मालिक की ना मजदूर की। और अगर मिल का मालिक और मजदूर आपस में अच्छी तरह रहे ना
तो मिल बड़ी तरक्की करती है, चीजें बहुत पैदा होती है, मुल्क खुशहाल होता है। ओफो, मेरा ये मतलब नहीं है। तो और आपका क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आपको हमारी पॉलिसियों पर चलना होगा। आपकी कौन सी पॉलिसी? देखिए नन्ना साहब, शकूर और मेरे दोनों के रास्ते मुख्तलिफ हैं लेकिन मंजिल एक। यस, वेरी ट्रू। क्या वेरी ट्रू? मेरा मतलब है कि आप सदर बनने के बाद मिल पर कब्जा कर लें, मशीनों को आग लगा दें, इसका नतीजा खून रेत तसादम, फायरिंग, और फिर उसके बाद मिल पर ताला। बुरहान साहब, आपका दिमाग ठीक है? आप अपने घर को जला के तमाशा देखना चाहते हैं? कौन सा मेरा घर? ये मिले, ये मशीनें, ये सब कुछ आपका घर ही तो है। ये मशीनें, ये मिले, ये सब कब है मेरी? ये तो गवर्नमेंट ने अपने अंडर में कर ली हुई है सारी मशीनें, और मैं इस गवर्नमेंट से इंतकाम लेना चाहता हूं। जब माल तैयार नहीं होगा तो बहरान पैदा हो जाएगा, बिरौनी मंडियों में पाकिस्तानी माल नहीं जाएगा तो वहां दूसरों मुल्कों का माल पहुंचने लग जाएगा, और यह होगा मेरा इंतकाम। तो इसका मतलब यह है कि आप दूसरे मुल्कों के फायदे के लिए यह सब कुछ कर रहे हैं? आप देखते जाइए, फिर ये हुकूमत हमारे सामने खुद ही हाथ जोड़ेगी कि खुदा के वास्ते हमसे ये सब कुछ ले लीजिए, ये आप ही हुकूमत चला सकते हैं, हम चुगत हैं, पागल हैं, लेकिन हम इस हुकूमत को कभी नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। बुरहान साहब, आप कमीने इंसान हैं। आप इस मुल्क से इंतकाम लेना चाहते हैं जिसने आपको मिले दी, जिसने आपको दौलत दी, छोड़ो, जिसने आपको भंगड़े दिए, अपनी दास्ता समझते हैं? जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बचा मुझे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये 10,000 रुपए अपने मेरे शरीर खरीदना चाहते हो? बचाइए, बचाइए, बचाइए।